Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. तथा परे चात्मा समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठं त्वं एव धीरा पुरुषं विशन्ति। तथा परे चात्मा समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठं त्वं इव धीरा पुरुषं विशन्ति। तेषां श्रम शयन्नातु सेवयते। ट्रांसलेशन। Others who are pacified by means of transcendental self-realization and have conquered over the modes of nature by dint of strong power and knowledge also enter into you, but for them there is much pain, whereas the devotee simply discharges devotional service and thus feels no such pain. Purport, His Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. In terms of labor of love and its returns, the bhaktas or devotees of the Lord always have priority over person who are addicted to the association of jnanis or impersonalists and yogis or mystics. The word apare, others, is very significant in this connection. Others refers to the jnanis and the yogis whose only hope is to merge into the existence of the impersonal Brahma Jyoti. Although their destination is not so important in comparison to the destination of the devotees, the labor of non-devotees is far greater than that of bhaktas. Om gyanati mirandasya gyananjana shalakaya chakshuru muntamyam tasmay shri guru. Hare Krishna, to mujhe seva dene ke liye aap sabhi ka dhanyavad hai ki किस तरीके से ये सेवाएं मिलती हैं और किस तरीके से व्यक्ति करता है इन सबको। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक नंबर 47, स्कंद 3 अध्याय 5, 47 नंबर श्लोक। तथा परे चात्म समाधि योग भले जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्नतु सेवयते। तथा परे चात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्नतु सेवयते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता है। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इसमें अन्य लोग जो दिया गया है, अन्य लोग मतलब निर्विशेषवादियों के लिए दिया गया है ना। और इस पूरे श्लोक में जो कंपैरिजन किया गया है, जो भक्त लोग कैसे सुखी हैं और अन्य लोग हैं कि निर्विशेषवादी किस तरीके से वो हमेशा कष्ट में रहते हैं। और जितने भी प्रभुपाद जी के जितने भी मतलब ग्रंथ है उनमें श्री प्रभुपाद जी ने जो सबसे ज्यादा भर्त्सना की है वो जो लोग निर्विशेषवादी हैं उनकी बहुत ज्यादा मतलब किया है। औरों का भी श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे पुस्तकों में सब कुछ क्लियर किया है कि देवी देवताओं के पास हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जहां पर भगवान ने कहा है उसके लिए उन्होंने बोल दिया है वहां पर थोड़ा सा, ठीक है ना। लेकिन जहां पर निर्विशेषवादियों की बात आती है तो वहां श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाते हैं हर चीज को।
ये निर्विशेषवादी नहीं, निराकार नहीं, बिल्कुल साकारवाद है ना। और जो देवी देवताओं में जो फंसे हुए रहते हैं, लेकिन उनका फिर भी एक बार चांस होता है कि एक बार व्यक्ति वो भगवान के, क्योंकि वो रूप से तो पहले से आकर्षित होते हैं किसी भी देवी देवता से, उनको इतना वो नहीं लगता। लेकिन निर्विशेषवादी निराकारवादी जो भगवान की जो रूप होता है उसी को भी वो नहीं मानते हैं। तो उसी के विषय पर इतना आज ये जो है बहुत अच्छा है, उस पर हम समझते हैं आज क्या लिखा है श्री रूपा जी, हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के इसमें से। प्रेम के श्रम तथा उससे मिलने वालों की लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों तथा निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे बावले रहते हैं। बावला शब्द रूपा जी ने यूज किया है। अपरे अन्य शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। यह शब्द उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेषवादी निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तादाकार होने की रहती है। यदि भी उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्ति में सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है, किंतु इस श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से हो जाती है। भक्तों को भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहने से व्यस्त न रहने की अपेक्षा अधिक आनंद मिलता है। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों के लिए ही अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होता है। ये मैंने वैसे तो आप सबने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने ये इसलिए पढ़ा है ताकि हमें समझ में आए कि प्रभुपाद जी क्या कहना चाह रहे हैं। इसमें जो भक्त लोग हैं वो भी श्रम करते हैं, है ना, लेकिन भक्तों के अपेक्षा जो उनके श्रम में उनको आनंद मिलता है ना, जैसा कि हम, और क्योंकि उनके पास आनंद के कुछ ना कुछ सोर्स होते हैं, है ना। लेकिन निर्विशेषवादियों के पास कोई भी सोर्स नहीं होता आनंद प्राप्त करने का, जैसा कि ऊपर बता रखा है भावार्थ में। अन्य लोग जो भी दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, यानी कि सायुज्य मुक्ति। तो जो यहाँ पर जो भौतिक मतलब जो अटैचमेंट से वो मुक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या जो भौतिक संसाधनों से दूर रहने की कोशिश करते हैं, तो उनमें उनके पास उनसे भी वो दूर हो जाते हैं, जो भौतिक संसाधन होते हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं, वहां भी उनको कष्ट मिलता है। और भगवान का जो निर्विशेषवादी का जो रूप होता है, निराकार रूप होता है, उसमें उनको इतना आनंद नहीं मिलता है। लेकिन जब हम भक्त लोगों को देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा उनको श्रम करना पड़ता है, उनकी अपेक्षा भी अगर हम देखें तो वो, लेकिन उनकी जो क्षतिपूर्ति होती है, जो उनकी जो पूर्ति होती है वो आनंद के साथ होती है, मतलब उनको आनंद मिलता है, उनकी पूर्ति जो होती है वो आनंद के साथ होती है। अब जैसे इसका उदाहरण कैसे ले, इसका उदाहरण हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे जन्माष्टमी का त्यौहार आता है या अभी जैसे गौर पूर्णिमा का त्यौहार आया, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। बहुत बड़े सेलिब्रेशन में हम काफी भक्तों को इनवाइट करते हैं, पांच पांच हजार भक्तों को लोगों को इनवाइट किया जाता है, इन्विटेशन दिया जाता है, उनके लिए प्रसाद बनाया जाता है, उनके लिए फिर कार्यक्रम की रूपरेखा रखी जाती है। और जो भक्त लोग इसका मैनेजमेंट करते हैं वो सुबह मतलब एक महीना पहले से ही वो एंगेज हो जाते हैं, और जिस दिन ये प्रोग्राम होता है उस दिन बहुत ज्यादा थकावट या तैयार मतलब बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहती है उनके ऊपर, लेकिन लास्ट में उनको ऐसा लगता है कि आहा कितना अच्छा आनंद आया, इतने लोग आए, इतने लोग भगवान को देख के आकर्षित हुए, इतने लोग प्रसाद खा करके प्रसाद पा करके उनको आकर्षित हुए, और भगवान की उनके ऊपर कितनी कृपा रही होगी, ये सोच सोच करके उनको बहुत ही आनंद प्राप्त होता है ना। और उनकी क्षति वो आनंद उनको प्राप्त ऐसे होता है कि वो भगवान की सेवा में डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो उनको भगवान वहां से आनंद, क्योंकि भगवान ही आनंद के सोर्स है, आनंद भगवान से ही निकलता है, और हम भी वही रिसीवर है, मतलब हमको जो आनंद प्राप्त करने की जो है वो भी हमको भगवान से ही मिलता है। और हमारे जो हम जो रिसीव करते हैं भगवान का आनंद, वो जब हम भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं तो हमको मिलता है। इसका जैसे हम यूँ कह सकते हैं, कई भक्त लोग ये प्रश्न हो सकता है कि हम तो इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, जैसे मैं मेरे लिए कहूँ कि हमको तो इतना आनंद नहीं मिला है ना,
लेकिन जिस दिन हम सेवा करते हैं अच्छे से उस दिन हमको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो फिर चली जाती है क्योंकि हम फिर माया में या कुछ ऐसा लग जाते हैं या थोड़ा सा और जिम्मेदारी में लग जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा थोड़ा 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 आनंद जो हमारा कभी ना कभी इकट्ठा होता रहता है, ये एकदम से फटता भी है। जैसे कि जब व्यक्ति फिलहाल तो जिम्मेदारी में रहता है लेकिन उसको उस चीज का आनंद हो चुका होता है, लेकिन जब जब जिम्मेदारी से अपने निवृत्त होने की कोशिश करता है और जब वो होता है तो सारी की सारी भगवान की जो दिव्य शक्ति उस वक्त कार्य करने लगती है उसके ऊपर, और वो भगवान के प्रति और ज्यादा प्रचार प्रसार में लग जाता है। तो हम देखते हैं कि वो दिव्य आनंद की अनुभूति यूं भी नहीं हो पाती हमारे पास। जैसे कि मान लो कि बाहर सिग्नल चालू, जैसे कई बार हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में नेट नहीं आता है, इंटरनेट नहीं आता। आजकल इंटरनेट का जमाना है ना, तो इंटरनेट नहीं आया मानो अपने यहाँ, सिम का वो नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो हम देखते हैं क्यों नहीं चल रहा है, क्या काम है। फिर हम अपने पड़ोसी से पूछते हैं या जो हमारे घर में कोई और होता है उनसे पूछते हैं कि देखो हमारे पास एयरटेल का नेटवर्क है, आपका भी एयरटेल का है, तो देखो आपके आ रहा है या नहीं आ रहा। वो बोलते हैं हमारे तो आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि हमारा क्यों नहीं आ रहा है, फिर हम जा करके उसको किसी मिस्त्री के पास लेके जाते हैं या रिपेयर वर्किंग वाले, वो उसको चेक करता है, बोलता है इसमें ये प्रॉब्लम है, उसको सही करता है, फिर वो रिसीविंग करने लग जाता है, हाँ देखो अब नेटवर्क भी आ रहा है और वो भी आ रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान की कृपा सभी के ऊपर होती है ना, लेकिन लेकिन रिसीव कौन कर पाता है, जिनका इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो रिसीव करने वाली जो चीजें सही हो। अब वो भक्त जो होंगे वो अब जो भक्ति में है वो धीरे धीरे सही होते जाएंगे, हो रहे हैं, और धीरे धीरे आनंद की प्राप्ति ऊपर भगवान से आना चालू होती है और रिसीविंग करना चालू हो जाते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं, निराकारवादी होते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट खराब ही है मान लो, वो कभी भी आनंद की वो वाली अनुभूति नहीं प्राप्त कर पाएंगे जो होनी चाहिए। जैसे कि हमको, हम भी जैसे कि जब कृष्ण कॉन्शियसनेस में आने से पहले हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ मतलब कुछ दुर्गुण होते होंगे है ना, कुछ ना कुछ कोई ना कोई ऐसा गलत शौक रहा होगा। लेकिन जब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आया तो उसको जब पता पड़ा प्रभुपाद जी की ये चीजें हैं कि हमको चार नियमों का पालन करना है, और वो उसके धीरे धीरे उस चीज को छोड़ा, तो जरूर उसको वहां पे भी अच्छा लगा होगा, अरे देखो मैंने ये चार नियमों का पालन करना चालू कर दिया, अरे देखो मैंने तो चाय पीना भी छोड़ दी, अरे देखो मैंने तो पहले मैं ये कार्य करता था, सिगरेट पीता था या शराब पीता था, देखो अब मेरा धीरे धीरे मेरा छूटता जा रहा है। तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन वो आनंद असली आनंद नहीं है, उसको अच्छा लगता है कि मैंने ये चीज कर लिया, देखो मैंने इसमें विजय प्राप्त कर ली। लेकिन असली आनंद वो होता है जब भगवान के भक्तों की सेवा में कोई व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है और भगवान के लिए जो सेवा करता है उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है वो असली आनंद होता है। जो निर्विशेषवादी निराकारवादी होते हैं वो भी थोड़ा प्रकृति के गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कैसे, प्रबल शक्ति ज्ञान के द्वारा। केवल जो उनके पास शुष्क ज्ञान होता है और जो प्रबल शक्ति होती है, थोड़ी बहुत जो शक्ति होती है कंट्रोल करने की है ना, वो और जो प्रबल शक्ति एवं ज्ञान, जो थोड़ा बहुत उनके पास ज्ञान होता है उस ज्ञान के माध्यम से कर लेते हैं, तो उनको खुशी मिलती है या उनको जो सुख मिलता है वो सोचते हैं कि यही असली सुख है। लेकिन ये असली सुख नहीं होता है, असली सुख ये होता है जब हम इन चीजों को छोड़ करके भगवान की सेवा में जुड़ते हैं तो हमें असली सुख मिलता है। और इसी का उदाहरण देखो एक नीचे दिया गया, कितना अच्छा प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है, पढ़ते ही आनंद आ रहा है। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों के लिए ही अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। मान लो कि अगर हम देखा जाए कि कोई समझ लो कि कोई स्त्री, मैं जो समझा हूँ वो समझ यही समझा कि कोई स्त्री और पुरुष है ना मान लो, और वो एक ही परिवार में रहते हैं और उनको फिर बच्चे भी होते हैं, तो घर में काम सेवाएं बढ़ जाती हैं है ना, उन सेवाओं को बढ़ने में मतलब श्रम करना पड़ता है और उस श्रम में उनको आनंद आता है ना। और जबकि अगर देखा जाए तो वही स्त्री जब कुछ समय के लिए मायके चली जाती है अपने बच्चों को लेकर के है ना, तो घर में शांति शांति रहती है ना, और उस स्त्री जो मायके चल जाती है तो वहां पे भी उसको कुछ काम नहीं करना पड़ता है ना, लेकिन फिर भी वो क्या, देखो क्या दिया हुआ कि अधिक झंझट प्राप्त होता है, क्या करें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, पूरा दिन ही नहीं निकल रहा हमारा तो यहाँ से वहां, और जो आदमी भी घर पे आता है वो देखता है घर में कुछ भी नहीं है, मतलब और ज्यादा उसको झंझट सब प्राप्त होता है। लेकिन वो जब दोनों संयुक्त होते हैं, जब घर में जब वो होता है तो उन श्रमों, उस श्रम में भी उनको आनंद मिलता है, जो श्रम करते हैं उन श्रमों में भी उनको वो आनंद मिलता है जब वो घर में झंझट से पालते। और हम एक चीज ये भी देख सकते हैं, इसमें यूं भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने जो जो उसके जो वर्णाश्रम के हिसाब से, जो उसके वर्ण के हिसाब से जो उसको आश्रम दिया गया है या जो उसको सेवाएं दी गई हैं वो उसमें नियोजित रहता है तो प्रसन्न रहता है, लेकिन उसके विपरीत
किसी दिन अगर वो व्यक्ति छुट्टी पर हो और उसकी उसी के घर वाले उसको कुछ अलग तरीके का काम बताएं जो उसके आश्रम से नहीं हो, उसके वर्ण से नहीं हो, तो और ज्यादा वो परेशान सा होने लगता है, इनको कुछ काम मिल जाते हैं, ये काम मेरे लिए नहीं है। और जिस जिस काम में उसकी रुचि है उसको वो बल्कि 2 घंटे ज्यादा भी काम करके उसमें आनंद प्राप्त कर लेता है, लेकिन जो उसके रुचि में जो कार्य नहीं है वो उसको 1 घंटे में भी ऐसा लगता है कि मैं तो उग गया हूँ, मेरे को ये काम मुझसे नहीं होगा, है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो सेवाओं में जो झंझट उठाता है व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाने के लिए या भक्त बनाने के लिए कितना बड़ा रिस्क लिया, कितने बड़े झंझट लिए, वो उनकी रुचि थी, मेरे को अपने गुरु का आदेश पालन करना है, और उसमें जो रुचि होती है तो वो बढ़ भी जाता है व्यक्ति आगे। वैसे ही उनके शिष्य आए कि हमें प्रचार करना है, श्रील प्रभुपाद जी के मिशन को आगे करना, और उन्होंने काफी सारे, और जो उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली है, इतना बड़ा जो उन्होंने प्रचार का कार्य किया, तो उसमें उनको आनंद भी मिला। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ मिला नहीं, उनको आनंद भी मिला। और वैसे ही अभी उनकी जो दूसरी जनरेशन आई है वो भी प्रयास कर रही है प्रचार करने का, हर अपने अपने स्तर पर, हम भी अपने बहुत अच्छे स्तर पर, जैसे साधु संघ ऑनलाइन में करते हैं प्रचार। तो ऐसा नहीं है कि इस प्रचार में हमको आनंद नहीं मिलता, आनंद मिलता, लेकिन निर्विशेषवादियों को ये आनंद नहीं मिलता है। अब हम देखो आगे की तरफ चलते हैं। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता है। हाँ, इस बात को हमें बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। निर्विशेषवादी जो का जो मिलन होता है भगवान से, वो एक ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में वो मिल जाती है, जो उनकी आत्मा जो निकल करके, लेकिन फिर भी वो अपनी पृथकता बनाए रखती है। निर्विशेषवादियों को संयोज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी व्यक्तित्व पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने के लिए अपनी व्यक्तित्व बनाए रखते हैं। वो सोचते हैं कि वो भी भगवान है, जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान है, वो भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान में से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है उसको भगवान मानते हैं, और उसमें अपने आप की जो आत्मा को वो ज्योति मानते हैं, उस आत्मा को ज्योति, उस ज्योति के साथ मिल जाती है, तो बस हमारा खेल खत्म, वो सोचते हैं कि यही होना है। लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से, इनसे हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि अलग अलग अस्तित्व है, जो जीवात्मा है उसका अलग अस्तित्व है, भगवान का अलग अस्तित्व है, हमारी सेवा है भगवान की सेवा करना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के पूरे, कि हम अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं भगवान की सेवा करने के लिए, है ना। जैसा कि एक बार एक यहाँ पे बताया गया था कि एक छोटे से खड्डा खोद, एक बीरबल ने कहा अकबर को, अकबर ने बीरबल को कहा कि व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार करता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, माँ अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो उसने बोला हाँ ठीक है, माँ अपने बेटे से प्यार करती होगी, लेकिन सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है। तो बोला कैसे, प्रूफ करो। तो उन्होंने खड्डा खोदा और एक बंदरिया को और एक बंदरिया के बच्चे को खड्डे में डाल दिया और पानी डालने लगे। जब पानी डालने लगे तो जब बच्चे के ऊपर पानी आया तो माँ ने उसको गोदी में उठा लिया। तो अकबर ने कहा देखो माँ कितना प्यार करे। बोला हाँ हाँ सही है, आप और डालो। फिर एक जग और डाला गया तो पानी और बच्चे के ऊपर आया तो माँ ने और अपने कंधों पर रख लिया। फिर और पानी डाला तो माँ ने अपने बच्चे को सर पर रख लिया। तो अकबर ने कहा देखो मैंने आपको बोला। तो बोला हाँ सही है, और पानी डालो। फिर जब और पानी डालने लगे तो वो जब नाक तक पानी जब बंदरिया के आया तो जब उसको लगा कि अब मैं सहन नहीं कर सकती हूँ तो उसने लास्ट में अपने आप को बचाने के लिए अपने बच्चे को नीचे डाल दिया और खुद उसके ऊपर चढ़ गई। बोला देखो ये है जिंदगी। तो यानी कि हम भी अपने आप को समाप्त होना हुआ होते हुए देखना नहीं चाहते हैं, हम भी अपने आप को रखना चाहते हैं, जीवित रखना चाहते हैं कि ताकि भगवान की सेवा कर सके। लेकिन हम उस वक्त उस मूल स्थिति में नहीं है कि हम उस चीज को समझ सके कि हम क्यों अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं, हमारे अंदर ऐसे क्या कारण है कि हम अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। हमारे कारण यही है कि हम अपने आप को जीवित इसलिए रखना चाहते हैं कि हम भगवान की सेवा कर सकें। लेकिन उसमें परतें आ गई हैं, माया की, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की परतें आ गई हैं, जिसकी वजह से हम उस चीज को यथारूप में देख नहीं पा रहे हैं, है ना। और हम डेली सुनते हैं फिर भी हमें एहसास होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर भूल जाते हैं। ठीक उसी तरीके से होता है जैसे हमको कोई नींद में से सुबह उठाता है तो हम भी नींद में उठते हैं, बोलते हैं हाँ उठ रहे हैं उठ रहे हैं, फिर वापस नींद आ जाती है। फिर कोई आता है उठाने के लिए, हाँ हाँ उठ रहे हैं उठ रहे हैं, हमको एहसास होता है कि हाँ हमें उठना चाहिए उठना, लेकिन फिर हम नींद के नशे में इतना होता है कि फिर तो 10 मिनट के लिए सोते हैं तो बहुत ज्यादा। तो ठीक अभी भी ऐसा ही है कि हम डेली सुनते हैं, हम इस वक्त माया के नशे में हैं, नींद के नशे में नहीं माया के नशे में, तो उस वक्त हमको जो थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है तो ऐसा लगता है हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर हम भूल जाते हैं। इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है ना।
अतः जिस मुक्ति की तलाश में निर्विशेषवादी करते हैं, जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वो भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है ना। मतलब भक्तों के लिए सायोज्य मुक्ति प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए तो मतलब बिल्कुल रेडी है, उनके लिए वो वाली जो मुक्ति है वो बिल्कुल रेडी है, मतलब कभी भी आप उसको ले सकते हो। जैसे अब आजकल लोन का सिस्टम हो गया ना, किसी का सिविल अच्छा है तो उसके लिए 2-4-5 हजार 2 लाख रुपए का लोन तो ऐसे ही तैयार रहता है, कभी भी आप ले सकते हो, एक क्लिक करते ही आपको वो लोन मिल जाएगा, है ना। तो वैसे ही जो बड़े बड़े जो भक्त होते हैं उनके लिए मुक्ति तो बिल्कुल मतलब समझो तैयार खड़ी है, कभी भी ले लो, आपका स्कोर इतना अच्छा है, आप इतने अच्छे होगी तो कभी। लेकिन बोलेगा इसमें क्या लूंगा, ऐसे होगा क्या मेरा, इतना तो मेरा महीने का, मतलब अगर जैसे लोन की बात करें तो बोले कोई भी छोटी मोटी कंपनी है, आप तो इतने अच्छे हो, आपके 1-2 लाख का लोन तो हम वैसे ले लो, अरे ये 1-2 लाख तो मेरा महीने का खर्चा है, क्या लेके करूंगा मैं आपसे, बात करो करोड़ों की बात करो तो समझ में आता नहीं करोड़ों, तो करोड़ों के लिए भी कोई ना कोई ऐसा होगा जो हमको योग्यता देख करके कोई ना कोई देगा। तो उसी तरीके से कि जो बड़ी बड़ी जो मुक्ति होती है, जो जैसे भगवान की प्रेमा मुक्ति, सालुक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, इन ये मुक्तियां जो होती है उनको भी वो प्राप्त नहीं करके केवल भगवान के चरण की सेवा में, क्योंकि सारूप्य मुक्ति मिले तो भगवान के जैसा हमको रूप मिल जाएगा, सालोक्य में भगवान के लोक में हम रहने लग जाएंगे, तो ये सारी मुक्तियां उसमें ऐड होती हैं। तो हमको जब भगवान की सेवा में चले जाते हैं तो सारी मुक्तियां हमारे लिए दरवाजा खुले रखती है हमारे लिए ना। अतः जिस मुक्ति की निर्विशेषवादी तलाश तो भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी है। भक्तगण अपनी व्यक्तित्व बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं मुक्ति पाते हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में बताया जा चुका है। भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ निश्चय वह स्थान है जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं। वैकुंठ का बताया गया है यहाँ पर कि वैकुंठ वहाँ है जहाँ पे कोई चिंता नहीं होती, जहाँ कोई कुंठा नहीं होता। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादी के गंतव्य को एक समान भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो भागवतम सबके लिए है, निर्विशेषवादी भी पढ़ सकता है इस भागवतम को, है ना, और भक्त भी पढ़ सकता है। हम सोचेंगे प्रभुपाद जी ये क्यों दे रहे हैं, मतलब कि निर्विश किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो कभी हो सकता है कि ये भागवतम किसी निराकार व्यक्ति के हाथ में आ जाए और वो ये पढ़े, तो वो समझ उसको प्रभुपाद जी उसके लिए कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को भक्तों के तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्टतः पृथक पृथक हैं और भक्त द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्ह मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। तो इसमें पूरे की पूरे में ये बताया गया है कि किस तरीके से निर्विशेषवादी हमेशा तुच्छ रहते हैं लेकिन भक्त हमेशा उनसे आगे रहते हैं। इसमें सबसे देखना प्रेम के श्रम तथा उनसे मिलने वाले लाभों की दृष्टि से भक्तगण सदैव उन लोगों से आगे रहते हैं जो ज्ञानियों तथा निर्विशेषवादियों तथा योगियों की संगति के पीछे बावले रहते हैं। भक्तगण हमेशा अपनी बाजी मार जाते हैं, है ना, वो बिल्कुल सीधे तरीके से होते हैं। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी आती है, कछुआ धीरे धीरे चाल करता 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 जीत जाते हैं और जो खरगोश होता है उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि नहीं मैं कितना फास्ट में जाता हूँ। लेकिन जैसे हम यहाँ पे देखते हैं अपने भक्तगण भी होते हैं धीरे धीरे अपनी साधना करके 16 माला सुबह को जाप करके और मंगला आरती करके प्रसाद प्रसाद भगवान का प्रसाद खा के प्रोग्राम करते अपनी अपनी आध्यात्मिक चेतना को इतने बढ़ाते 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 जाते हैं, लास्ट में उनके लिए गंतव्य स्थान भगवान का धाम खुल जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इनके कैसा एकदम से इन्होंने हमारे साथ ही रहते हुए हमारे साथ व्यापार करते हुए हमारे साथ सब कुछ करते हुए और एकदम से कैसे निकल गए। अभी हम एक अगला श्लोक पढ़ेंगे वो भी बहुत अच्छा है। तथेवयं लोकस्य सृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा त्रिभिरात्मभिस्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्र न शक्नुमत् तत्प्रतिहर्वतते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं, है ना, ये देवतागण कह रहे हैं। उन्होंने देवतागणों ने पहले निर्विशेषवादियों के लिए बता दिया, अब खुद के लिए बता दिया, हे आदि पुरुष इसलिए हम आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी है किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। हम आपके द्वारा उत्पन्न है लेकिन आप अजन्मा हो, हम भी अजन्मे हैं किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभावों के कारण अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं, इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतः सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सकते। बहुत अच्छा श्लोक है ये वाला, है बहुत छोटा सा लेकिन इसमें हमको बहुत ज्ञान मिलेगा। तात्पर्य भाई श्री पर
यह विराट सृष्टि भगवान की बहिरंगा शक्ति के तीन गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। और देवतागण भी वही बोल बोल विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन है। अतः वे भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि सतो क्योंकि जितने भी प्राणी हैं इस संसार में जो हमको देखने को मिल रहे हैं वो कोई सतोगुण से प्रभावित है, तो कोई रजोगुण से प्रभावित है, तो कोई तमोगुण से प्रभावित है। तीनों गुणों के अंतर्गत है और उनकी सोच अलग अलग है। इन तीनों व्यक्तियों की सोच अलग अलग है, कार्य करने की शक्ति अलग अलग है, कार्य करने का ढंग अलग अलग है, तो ये तीनों एकजुट होकर के कार्य नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि तीनों की ही अलग अलग है। और वह भगवान को तुष्ट करने के लिए एकजुट होकर कर्म भी नहीं कर सकते। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई एक के सामंजस्य नहीं कर सकता, इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए, इसलिए वांछित एकत्व स्थापित हो सके। इसमें ये कह रखा है, इसमें जो मैं समझा हूँ या जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें यही है कि सबके गुण अलग अलग हैं, सब अपने मन मन के हिसाब से कार्य करना चाहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं अपने घरों में भी कई पांच मेंबर होते हैं, पांचों मेंबरों का मन अलग अलग होता है। प्रकृति के गुणों का प्रभाव अलग अलग होने के कारण उनकी पांच में भी नहीं बनती है। लेकिन अगर सबका डेस्टिनेशन अगर एक ही हो, कोई रजोगुण, जैसे हम अगर इसको इस हिसाब से समझें, प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन बनाया है, इस इस्कॉन के अंदर ऐसा नहीं है कि और सत्वगुणी व्यक्ति ही आते हैं, इसमें रजोगुणी व्यक्ति भी आते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भी आते हैं, सभी आते हैं। सबका तमोगुण भी होता है, किसी के अंदर किसी के अंदर रजोगुण होता है, किसी के अंदर सत्वगुण होता है। जो सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं वो भगवान इस्कॉन के अंदर या कृष्ण भावनामृत के अंदर पुजारी की ड्यूटी संभाल लेते हैं या प्रचार की ड्यूटी संभाल लेते हैं, है ना। जो रजोगुणी होते हैं वो इस्कॉन के अंदर ही कोई ना कोई शॉप ढूंढ लेते हैं या कोई व्यापार करने के लिए कुछ सोच लेते हैं, वृंदावन में भी जाकर अपनी कोई शॉप खोल के बैठ जाते हैं, चलो वृंदावन में बैठे हैं और व्यापार भी खुले। कुछ तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो भी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ शुद्ध का कार्य वहाँ पे ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन सबका उद्देश्य एक ही होता है कि परमात्मा के लिए कर्म किया। हम कार्य किसके लिए कर रहे हैं? परमात्मा के लिए। तो इसी के लिए हमको समझना पड़ेगा, जैसे कि कई बार वो उदाहरण भी आता है कि भगवान शिव जी के लिए, जैसे बताते हैं शिव जी भगवान के परम भक्त हैं और माता पार्वती भी भगवान की परम भक्त हैं, है ना। और उन सबके वाहन भी अगर हमको देखने को मिलते हैं, जैसे शिवजी नंदी पे चलते हैं, माता शेर पे चलती है और उनके पुत्र कार्तिक के मोर है और उनके गणेश जी को देखते हैं चूहा है, सब एक उनके स्वभाव से अगर हम देखें, उनके रजतमो गुणों से अगर प्रभावित देखें तो सब एक दूसरे के विपरीत है, है ना। लेकिन फिर भी कैसे वो एक साथ रह लेते हैं? क्योंकि सबका डेस्टिनेशन एक है, वो उनको पता है कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं, ये भी आत्मा भगवान की है। इस तरीके से वो एक ही साथ रह करके रह लेते हैं, जबकि सबसे विरोधाभास है सबका। शेर देखा जाए तो नंदी को खा जाएगा, सांप जो उनके रहता है तो चूहे को खा जाएगा, शायद मोर जो है वो सांप को खा जाएगा, अगर हम सबकी सबको अगर एक साथ बिठा देते। लेकिन सब राजी खुशी देते हैं, जैसे गोपाल जी ने इस्कॉन स्थापना की तो उसमें विश्व के सभी लोग हैं, तो सब अच्छे से रह रहे हैं, है ना। लेकिन जो हम यूएन देखते हैं, यूएन संयुक्त राष्ट्र जो बहुत समय से प्रयास कर रहा है कि सबको एक समान स्तर पर लेके आने की, पूरे देश में कभी किसी को समझाता है तो वो देश थोड़ी देर समझता है तो दूसरे देश को समझाता है, तो जब दूसरा देश समझता है तो पहला वाला जो होता है वो वापस खड़ा हो जाता है, रेडी में ऐसे करते करते संयुक्त राष्ट्र उनका किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में बीच में कृष्णा नहीं है, परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। अगर वो भगवान को संयुक्त राष्ट्र वाले बीच में डाल दें, जैसे प्रभुपाद जी हमेशा बताते हैं कि ये जो हमारी शिक्षा है, जिस दिन ये हर व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाएगा, कृष्ण भावनामृत हो जाएगा, तो उस दिन वैकुंठ जगत यही बन जाएगा, यही सत्युग अच्छे से आ जाएगा, हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं करनी पड़ेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। और जो भी स्पीकर्स हैं जिन्होंने इसमें एडिशनल पॉइंट डाले हैं तो प्लीज वो करें। हरे कृष्णा। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा।
बताया जा रहा है कि कैसे जो निरशेषवादी और योगी जो होते हैं उनका जो है वो बस एकमात्र जो लक्ष्य होता है भगवान के ब्रह्म ज्योति से लीन होने का, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का। लेकिन जो भक्तगण होते हैं वो अपनी भक्ति भक्ति से भगवान भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, प्रेम भक्ति के माध्यम से भगवान की अच्छे से सेवा करके प्रेम भक्ति के माध्यम से भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये दोनों श्लोक में, इस श्लोक में जो बताया जा रहा है कि हम लोगों को कभी भक्त और निर्विशेषवादियों को एक समान नहीं मानना चाहिए। जैसे जैसे बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि जो योगी हैं, ध्यान योगी हैं, सब लोग ऐसा भगवान के ही बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो सब लोग एक ही कार्य कर रहे हैं। लेकिन भक्त और निर्विशेषवादी में दोनों में अंतर होता है, जो इस श्लोक में बताया गया है अच्छे से, इस श्लोक के तात्पर्य में अच्छे से बताया जा रहा है कि जो निर्विशेषवादी होते हैं उनका बस जो रहता है एक लक्ष्य जो रहता है वो भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन होने का रहता है। तो आर्य प्रभु जी, इसके जो दूसरे जो श्लोक है उसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो सभी प्राणी जो है वो तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, और तीनों गुणों से प्रभावित होने के कारण वो लोग उनका जो है कर्म जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है। और इसके इसी श्लोक के तात्पर्य में यहाँ पे प्रभु जी बताया जा रहा है कि मेरा इसमें डाउट भी है प्रभु जी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नीचे में कि इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए। तो प्रभु जी जो जैसे अलग अलग जो गुणों से जो प्रभावित होते हैं, जो रजोगुणी होते हैं, जो तमोगुणी होते हैं, वो लोग तो मतलब भगवान को ऐसा नहीं मानते हैं, उनको मतलब एक तरह से बोले तो वो लोग कुछ कोई नास्तिक होते, तो वो लोग किस तरह से परमात्मा के लिए कार्य करेंगे? जब तक हम लोग सतोगुण में नहीं आते तब तक हम लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो जो रजोगुण ही है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है क्या प्रभु जी की जो मतलब ये तीनों गुण से जो प्रभावित व्यक्ति हैं वो सभी मिलकर के परमात्मा के लिए कार्य करें, ऐसा बोला जा रहा है क्या प्रभु जी? इसको थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आपका प्रश्न यह है कि रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर सकते, मतलब आपके कहने का मतलब यह है केवल सतोगुणी व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। यस प्रभु जी, मतलब जैसे इस तात्पर्य के लास्ट में बताया जा रहा है ना कि इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमात्मा के लिए कर्म किया जाए। तो मुझे समझ आया कि जैसे कि इस भौतिक जगत में सभी जो प्राणी है वो तीनों गुणों से प्रभावित रहते हैं, तो जो प्रभु जी रजोगुणी है और तमोगुणी है वो लोग तो जो है वो मतलब नास्तिक, मतलब वो भगवान पे ये नहीं करते, विश्वास नहीं करते, तो उसमें वो लोग कैसे परमात्मा के लिए कर्म कर सकते हैं? माता जी रजोगुणी व्यक्ति नास्तिक नहीं होते हैं, उनके अंदर रजोगुण का प्रभाव होता है, उनके अंदर काफी सारी इच्छाएं रहती हैं। रजोगुण का जो कार्य होता है असीम महत्वाकांक्षा है, अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो उसमें बता रखा है असीम, उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत सारी इच्छाएं होंगी उसके अंदर कि मेरे को ये भी मिल जाए, मुझे ये, उनकी सीमाएं नहीं होंगी कुछ भी। लेकिन जब वो लेकिन उसके अंदर ये भाव भी होगा कि मैं कुछ सेवा भी करूं, मैं मंदिर में भी कुछ दान दूं, मेरे को यहाँ से कुछ मिल जाए, मैं भगवान को अगर कुछ दूंगा तो मेरे को भगवान डबल करके देंगे, स्टार्टिंग में उनका भाव ये रहता है। वो ऐसे नहीं होता है कि वो बिल्कुल ही उसके अंदर कुछ भगवान के प्रति होता ही नहीं, कुछ सूक्ष्म मात्रा में होता है। निर्विशेषवादी अलग होते हैं और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन जो भक्तगण होते हैं वो सदैव उनको उनके पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि कुछ सेवा के लिए दो, उनके कर्मों को जब फलों को जब कोई भक्त भगवान की सेवा में लगाता है तो वो उनकी आध्यात्मिक उन्नति वहीं से होना चालू हो जाती है। और अगर हम मैं यहाँ पर मेरे लिए कहूँगा कि जितने भी यहाँ मतलब भक्त हैं वो कोई भी पूरे से सतोगुणी में नहीं होता, रजोगुण तमोगुण मिश्रित सभी होते हैं माता जी, पहला चीज तो ये है। और दूसरा चीज, जैसे भगवान ने भगवद गीता में बता रखा है कि मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो मेरे कर्मों का फल मुझे दो, मेरे कर्मों का फल
नहीं दे सकते हो, तो ऐसे करके चार पांच चीजें बता रखी हैं कि बिल्कुल पहले तो बता रखा है कि पूरे मेरे लिए समर्पित हो जाओ। अगर मेरे लिए समर्पित नहीं हो सकते हो तो जो लोग मेरे लिए समर्पित है उनकी हेल्प करो, और जो उनकी भी हेल्प नहीं कर सकते हो तो जो आप काम में लगे हुए उसी में लगे रहो, उसका जो कर्मों का फल है वो मुझे दे दो, ऐसे करके बता रखा है। तो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति जो भी होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, उनको अब लगाया जाता है किस तरीके से, जैसे प्रभुपाद जी ने सबको कितनी बुद्धिमता से सबको सेवा में लगाया, और उसी तरीके से इस्कॉन आज भी यही कार्य कर रहा है कि सबके पास जाता है और उनसे उनके कर्मों का फल हम लेते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। जैसे कि एक बार एक भक्त बता रहे थे कि हम कई बार सोचते हैं कि गरीबों को कुछ दे करके, मतलब गरीबों को हम कुछ दे करके उनके ऊपर दया दिखाते हैं, है ना। इस्कॉन वाले दोनों कार्य करते हैं, कृष्ण भावना मतलब जो भक्त होता है दोनों कार्य करता है, वो फूड फॉर लाइफ के माध्यम से जो गरीब बच्चे होते हैं उनको प्रसाद दे करके उनके ऊपर भी कृपा करता है, और जो धनी व्यक्ति होते हैं उनसे लक्ष्मी जो उनके अंडर में रहती है उनसे मुक्त करा करके भगवान की सेवा में लगाता है, तो उनके ऊपर भी वो दया करता है, दोनों के ऊपर दया का सेम रहता है उसका। हरे कृष्णा माता जी, और गोपी मनोहर प्रभु भी हैं यहाँ पे और अच्छे तरीके से वो समझा सकते हैं ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सत्वगुणी है वो ही भगवान की भक्ति कर सकता है, रजोगुणी और तमोगुणी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अगर ऐसा है, ऐसी बात है तो हमारा कोई चांस ही नहीं है क्योंकि हम लोग अभी तक सत्वगुण तक पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम लोग भी भक्ति कर सकते हैं और धीरे धीरे करते हुए हम लोग अपने गुण चेंज करके हम लोग धीरे धीरे भक्ति करेंगे तो हमारा गुण भी चेंज होगा, तमोगुण से रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से सत्वगुण में आएंगे, और फिर हम लोग हमारा क्वालिटी है भक्ति जो सेवा साधना तो सब इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा।